किसको देते हैं आप? हम इसका श्रेय पूरा हमारे उदय भैया को देना चाहते हैं। उदय भैया नहीं होते तो आज हम कुछ भी नहीं। ये उदय भैया कौन है? उदय भैया हमारी बस्ती के हैं, वो पहले जा चुके हैं डांस जाने में। आप ये बताइए कि आप कौन सी जगह रहते हैं और ये जो डांस का शौक आप मतलब ये कितने सालों से चढ़ा और मतलब ये फिर और किस तरह से आप वहाँ पर गए और किस तरह से आप यहाँ पर रहते हैं और किस तरह से आपकी बस्ती में आप दिन भर का अपना रोजगार लेके आना, किस तरह से अपने शाम की रोटी बना के खाते हैं? हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, सब घर का काम करते हैं, बहन भाइयों को संभालते हैं, लकड़ा लकड़ी बनने जाते हैं, खाना बनाते हैं मम्मी पापा के लिए। फिर हमको जब शाम को टाइम मिलता है जब हम उदय भाई के पास आ जाते हैं डांस सीखने के लिए, तो यहाँ पर हमारे को बहुत लगती है, बहुत कच्चा रोड है यहाँ पर, धूल मिट्टी और धूप बहुत लगती है, कंकर जुटते हैं, और शुरू शुरू में बहुत लगता था हमारे को, लेकिन अब हमारे को आदत हो गई है। फिर जब हम मुंबई में जब हमने हमें उदय भैया ने डांस सिखाया था, वो हमारे ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत की वजह से आज हम इतने बड़े स्टेज पर पहुंच गए। हमें बहुत खुशी हुई कि हम इतने बड़े स्टेज पर पहुंचे हैं, जो कुछ हम हमारे साथ हुआ है हम वहाँ तक पहुंचे हैं, सब उदय भैया की वजह से पहुंचे हैं। उदय भैया बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं?